95 होगा। तो सो गाइस फ्यूल अप का टाइम आ गया है, ठीक है, देख सकते हो टैंक कितना फुल हो गया है कि पूरा तेल ही गिर गया है। कपूर दियो ना, कपूर दियो ना, वो शुकनो हो जाबे एखन दिले पुरो रंग। हाँ हाँ हवा दी उड़े जाबे, आर एखाने रंग उठे जाबे, नाले एखाने कपूर दिले रंग उठे जाबे। ओहो माय चैनल 90s किड अमन, कैसे हैं आप सब गाइस। चलो आज का राइड बहुत सिंपल होने वाला है। आज मैं जस्ट ऐसे ही रैंडमली निकल गया हूँ सिटी राइड के लिए। आप देख ही सकते हो मैं अभी धर्मतल्ला में हूँ। आपने सिनेमैटिक्स का भी मज़ा लिया ही होगा इसके पहले। वैसे बेसिकली हमारा सिंपल राइड होने वाला है और मैं एक शॉप पे जाने वाला हूँ, इंडिया हॉबी सेंटर। वो खिलौने का शॉप है, मतलब मस्त शॉप है गाइस। उधर पे हर तरह का मतलब एंटिक टाइप का खिलौना और एरोप्लेन्स एंड ऑल बहुत कुछ मिलता है, जो लोग ऐसे RC फ्लाई करने के लिए लेते हैं, RC प्लेन्स एंड RC कार्स लेते हैं, वैसे बाइक्स भी है, बहुत कुछ है। तो चलो वहीं चलता हूँ मैं, थोड़ा एक राउंड का राउंड भी मार लूँगा और वीडियो का वीडियो भी बन जाएगा गाइस। तो बने रहो वीडियो में, मैं जा रहा हूँ। अभी मैं पार्क स्ट्रीट पहुँच गया हूँ, देख सकते हो द पार्क के साथ ऑपोजिट में ही है वो। देखिए 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 भैया, थोड़ा सा जगह दे दो हमें। हाँ दे दिया इन्होंने। और यहाँ पे बहुत कुछ, बहुत सारा शॉप है, ये सब शॉप में बहुत कुछ मिलता है। देखो ये सिग्नल, देखो क्या ही सिग्नल है, ग्रीन भी दिखा रहा है रेड भी दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है सिग्नल में। तो गाइस देख सकते हो मैं हूँ इंडिया हॉबी सेंटर के बाहर और ये मैंने अपनी बेला को पार्क करके रखा है पीछे, आप देख सकते हो। और भैया से मैंने परमिशन ले लिया है यहाँ वीडियो ब्लॉग करने का, तो इन बोले कोई दिक्कत नहीं है। और ऋषि अंकल भी यहाँ है नहीं, तो ठीक है आप आओ मैं आपको लेके चलता हूँ शॉप में। देख सकते हो ये वाला शॉप का खासियत यही है कि यहाँ पे एक से एक टॉयज मिलता है, एक से एक टॉयज, क्या ही बोलो, मतलब टॉयज का आप नाम बोलो और यहाँ पे वो मिलेगा। हर टॉयज का यहाँ पे कलेक्शन है, मतलब मैं बहुत सारा खिलौना यहाँ से ले चुका हूँ। मैं आपको, आप देखे ही होगे मेरे घर पे एक वॉल पे बहुत सारा टॉयज रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक से एक अल्टीमेट तरह का टॉयज मिल रहा है। यहाँ भी बहुत सारा टॉयज़ का कलेक्शन रखा हुआ है, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है। कुछ नया है, कुछ पुराना है, पहले का भी बहुत सारा है, जैसे कि ये मैच बॉक्स कार्स, ये अभी भी अवेलेबल है, ये सारा अवेलेबल अभी भी है। तो कुछ अभी का है, कुछ पहले का है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स तो अल्टीमेट है। जैसे कि यहाँ ये वाला जो सेक्शन है इसमें ज़्यादातर नया है, और ये सब में भी उनका बचपन का पहले का लिया हुआ है। तो ऐसे जस्ट एक वो मेमोरी के हिसाब से रखा हुआ है, इन्होंने अपना पूरा डाल ही दिया है, मतलब अपना खिलौने का कलेक्शन ही सेल पे डाल दिया ऐसा है समझ लो। जैसे ये देखो ये पूरा 3D पार्ट है, मतलब इसका हर एक जॉइंट हिलता है, तो ये सारा को वैसे बोलते हैं 36 जॉइंट्स। जैसे इसको भी देख सकते हो, ये इसका भी पूरा जॉइंट्स मूविंग है। और ये वाला तो मस्त लगा मुझे, जोकर का ये भी बहुत अच्छा है। और ये देख सकते हो छोटा सा ट्रेन, एकदम छोटा सा, इससे छोटा तो शायद ही मैंने आज तक अपने लाइफ में, मैं खिलौने का एंथुसियास्ट देखा नहीं हूँ, तो आप लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं। और यहाँ पे ज़्यादातर अभी 3D मॉडल्स ही रखा हुआ है, कुछ ऐसे ये बॉबल हेड्स भी है, देख सकते हो बॉबल हेड्स। तो ठीक है, ये पहले का कोई डायनासोरस का है, वो भी डायनासोर का पूरा टैगिंग किया हुआ है, प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड ऐसा कुछ, 2000 का है। तो ठीक है, प्राइसिंग का थोड़ा ज़्यादा हाई है, लेकिन प्रोडक्ट अल्टीमेट है, मतलब ये सारा प्रोडक्ट आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखो ऑटो, इतना छोटा ऑटो, ये ऑटो को पता नहीं कभी का ही अभी मिलता भी है कि नहीं, आई डोंट नो।
और ये कुछ स्पून है, कुछ डॉलर्स में प्राइस लिखा हुआ है, उसका ओरिजिनलिटी का मुझे पता नहीं कुछ ठीक से, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जो प्राइस है वही प्राइस पे ही लेना होगा। बार्गेन वैसा कुछ होता नहीं है, बहुत कम लिटिल बार्गेन होता है। जैसे ये एक टॉय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बैटमैन का बैट मोबाइल 4th वाला है, तो इसका मैं प्राइस देख सकता हूँ एक बार नेगोशिएट करके, अगर ठीक ठाक मिल गया तो मैं ले लूँगा, ठीक है। और तो खिलौने में क्या ही है, ये सारा कुछ खिलौना है अच्छा ही है, जितना भी खिलौना है अच्छा है। इन्हीं का आइसक्रीम का शॉप है, यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर टाइप है, तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कैसा लग रहा है बताओ ये शॉप, आप कभी भी आ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा खिलौना मिलता है। अब अंदर चलो, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा गाइज, तो थोड़ा प्यार बरसाओ यार, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। आज का वीडियो मैं ऐसे ही रैंडमली बनाया हूँ, ऐसा कोई कंटेंट कुछ है नहीं, बस मुझे मन था आने का, निकला था नॉर्मली बाइक सिटी राइड के लिए निकला था, तो एक काम के लिए निकला था, वो काम हुआ नहीं, तो मैं बोला ठीक है जब नहीं हुआ है तो उसी के बहाने मैं थोड़ा यहाँ घूम लेता हूँ, टाइम है तो। देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये बाइक, तो मुझे अल्टीमेट लगा, ये जो पीछे बंदा लेके खड़ा है बैठा है, मतलब ठीक है अंधेरा इधर पे अच्छा वीडियो नहीं आएगा, तो यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ आने से आपको बहुत मज़ा आता है, मतलब अगर आपको खिलौना पसंद है तो आप यहाँ आओगे तो आपका मन भर जाएगा देख के, खिलौना इतना ही खिलौना है, मतलब क्या बोल सकते हैं, जिस चीज़ में मेरा नज़र जाता है मैं सोचता हूँ ले लूँ, ऐसे करके मैंने बहुत सारा खिलौना लिया है, लेकिन अब इधर मुझे और खिलौना कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, मतलब मेरे लिए जो मेरे को अच्छा लगता है वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो जब मिलेगा तो मैं देख लूँगा, वैसा होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा जब भी कभी आऊँगा। अब तो देखो व्लॉग तो करना है, एक बहाना है, अब तो कुछ भी लूँगा मैं आपको ही दिखाऊँगा, तो ठीक है बने रहो वीडियो में, मिलता हूँ आपको मोटो व्लॉग सेटअप पे। मैं आ चुका हूँ अलीपुर एरिया पे, तो ऑलमोस्ट मेरा घर आ ही चुका है, बहुत ट्रैफिक था यार आज, पता नहीं क्या ही चल रहा है इनका, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। अब ऑब्वियसली मैं ऑफिस टाइम पर ही निकला हूँ, लेकिन ठीक है इतना ट्रैफिक अभी नहीं मिलना चाहिए मेरे को, थोड़ा सा ऐसे जाना पड़ेगा रूल्स ब्रेक करके जाना पड़ेगा मे बी, नहीं अभी तो रूल्स के अंदर ही हूँ। अच्छा वो लाइन भी जाम ही है। आज का व्लॉग कैसा रहा गाइस बताना, कमेंट करो यार, लाइक करो, कोई भी देखता है वीडियो प्लीज़ लाइक करो, देखो लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ आपको सच में अच्छा लग रहा है, तो देखो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कमेंट करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अरे इतना जाम, इधर से हम सब रॉन्ग वे से जा रहे हैं, क्यों सब ही जा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ ले रहा हूँ लेकिन मैं थोड़ा दूर दूर रह रहा हूँ, नहीं ऐसे लेना तो रिस्की है, ऐसे लेना रिस्की है, अदर्स बाइक एंड कार्स कैसे आएंगे। एरिया कभी कभी बहुत जाम मिलता है, कभी कभी बहुत क्लियर रहता है, तो इसलिए मैं ये लाइन रूट ही लेता हूँ, लेकिन चलो अब पता चल गया मुझे अब उस जगह से जाना पड़ेगा। देखो ये टैक्सी वाला फंस गया ऊबर भाई फंस गया था, बाइक के लिए तो क्या ही है, कहीं से निकलो कहीं पे घुस जाओ, इसीलिए तो वो डायलॉग अभी भी मैं बोलूँगा, 4 wheels मूव्स द बॉडी एंड 2 wheels मूव्स द सोल, मतलब क्या ही है, सोल को देखो कहीं से कहीं जाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो कहीं से कहीं चला जाता है, तो वैसे ही बाइक भी है कहीं से कहीं चला जाता है, लेकिन ठीक है ज़्यादा मिस यूज़ भी नहीं करना चाहिए सोल का, नहीं तो सोल एक दिन सच में चला जाएगा और आ ही चुका हूँ मैं घर के इधर, और सिनेमैटिक्स कैसा रहा वैसे बताना, स्टार्टिंग में मैंने कुछ नया एंगल्स को ट्राई किया था आज,
क्या देखते हैं कैसा रिकॉर्डिंग हुआ है। मैं अभी कुछ उतना अच्छा से देखा नहीं, बस देखा था नॉर्मली तो मुझे लगा ठीक ठाक है। ब्लॉग आते आते संडे आ जाए एंड संडे को जो एक्सक्लूसिव राइड फुटेज है वो आपको देखने का मौका मिलेगा। ट्राई करूँगा संडे राइड करने का। पिछली बारी तो हो नहीं पाया क्योंकि आप जानते हो बारिश हुआ था बहुत तगड़ा, तो इसलिए हो नहीं पाया। अब देखते हैं, होप करते हैं इस संडे को ना हो बारिश। जैसे आज देखे, आज सुबह से बारिश नहीं हो रहा है, मतलब होना था तो भाई आज ही हो जाता, कल ना होता तो क्या ही करूँ। मैं कितना प्लान करके रखा था, बेला को रेडी करके रखा था कि भाई जाऊँगा आराम से व्लॉग करूँगा, अपना राइडिंग गियर्स एंड ऑल सभी रेडी था मेरा, लेकिन मौका नहीं मिला बारिश के लिए। गाइस तो मेरा घर आ ही चुका है। इधर तक व्लॉग देखने के लिए बहुत धन्यवाद गाइस, ठीक है आप, बहुत अच्छा लगा मुझे आप व्लॉग देख रहे हो। बस लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो तो मेरे को और अच्छा लगेगा, सोने पे सुहागा लगेगा। तो प्लीज़ कर दो, जल्दी से जाके वो लाल बटन दबा दो और उसके साथ एक घंटा है उसे भी बजा दो, देखो कितना ही मस्त फीलिंग आएगा मुझे उसके बाद। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में गाइस।